हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिद्धि कॉमर्स वर्ल्ड। आज की वीडियो में मैं आपको सूट के लिए जो साइड में चाक पट्टी होती है उसे रेडी करना बताऊंगी और इसे और सूट के चाक के साथ में इसे कैसे स्टिच करना है वो भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ में आपको स्टिच करके दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये कुर्ती ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, सिर्फ इसके साइड वाले चाक ही फोल्ड करने रह रहे हैं और जो चाक वाली पट्टी है एक वो इसका मेन पार्ट वो रह रहा है, उसके बाद में ही चाक फोल्ड होंगे। इसके पहले चाक पट्टी की जगह पर यहाँ पर कांच बनाया जाता था ताकि ये यहाँ से फटे ना। जिस तरीके से मैं आपको ये चाक पट्टी लगाना बताऊंगी सेम उसी तरीके से रेडीमेड कुर्ती में भी इसी तरीके से चाक पट्टी लगाकर रेडी किया जाता है उनको, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हम इसे बनाएंगे और स्टिच करेंगे और इससे आपकी कुर्ती बिल्कुल भी साइड में से बिल्कुल नहीं फटेगी, बहुत ही फिनिशिंग से रेडी होगी और आप देखेंगे कि बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि अंदर की तरफ से आपने अलग से पट्टी लगाकर इसे रेडी किया है। ये हमने 2 इंच की चौड़ी पट्टी ली है, इसकी लंबाई आप अपने चाक की जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। इसे आप थोड़ी सी ज़्यादा लंबी भी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा पट्टी होगी उससे बाद में हम स्टिच करने के बाद में कट कर देंगे। पहले से हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी चाक के लिए पट्टी रेडी हो चुकी है, अब इसे हम सूट के चाक के साथ में अटैच करेंगे। सूट को उल्टा ही रखेंगे और इस सूट के जो चाक हैं उस एरिया को इस तरह से खोलते हुए इसके ऊपर निशान लगाना है, जहाँ तक हमारी जो हिप वाली सिलाई है वहाँ पर हमने ये निशान लगा लेना है और सेम इसी तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगानी है दोनों साइड से। ध्यान रहे कि जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है उसके ऊपर ये सिलाई नहीं आनी चाहिए। बहुत ही आराम से हमने ये सिलाई लगानी है, मशीन को धीरे धीरे चलाते हुए हमने ये सिलाई लगानी है, बहुत तेज़ मशीन नहीं चलाएंगे हम। जो साइड की फिटिंग हमने लगाई है उससे पहले ही हमने सिलाई को लगाना है, उस सिलाई के ऊपर नहीं लेके जाना है और सुई को अंदर की तरफ रखते हुए हमने इसे घुमाना है कपड़े को और फिर सीधी सिलाई लगाकर एक बार और इसे घुमाएंगे तो एक साइड के चाक पर ये सिलाई लगकर रेडी हो चुकी है, ये पट्टी लग चुकी है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी इसके जो ऑपोजिट इस पट्टी को अटैच करेंगे, ये देखिए। अब एक्स्ट्रा पट्टी को पहले हम कट कर देंगे, उसके बाद में इसे हम स्टिच करेंगे। जिस साइड पर हमने पट्टी को अटैच करना है उस साइड के कपड़े को और पट्टी को इस तरह से बाहर की तरफ निकालना है। अब इसके ऊपर इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए, स्टिच करने के बाद में कुछ इस तरह का लुक आएगा हमारी साइड वाली चाक पट्टी का, ये देखिए। बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमने इसे अटैच कर लिया है और ये जो सिलाई आएगी ये अंदर की साइड ही दिखाई देगी, इसे हम जब पलटेंगे तो सूट के ऊपर वाली साइड में ये बिल्कुल भी सिलाई दिखाई नहीं देती है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमने इसे अटैच किया है और अगर आपका सूट खिंचता भी है तो यहाँ से बिल्कुल भी फटेगा नहीं, आप आराम से सूट को पहन सकते हैं और उसे बाद में निकाल भी सकते हैं। इसलिए हम ये चाक पट्टी लगाकर रेडी करते हैं ताकि हमारे सूट की जो साइड फिटिंग है वहाँ से सिलाई बिल्कुल भी ना निकले, हमारा सूट फटे ना। सेम इस तरीके से दूसरी साइड के चाक पट्टी को भी हमने सूट के चाक के साथ में अटैच कर लेना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स।